गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो इस वीडियो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिंग्स जावा में कैसे वर्क करते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल वाली वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि स्ट्रिंग्स कैसे वर्क करते हैं, स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बट हम आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल लेके चलेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग को ये जावा के जो स्ट्रिंग्स है उसको क्लियरिफाई करने में एंड समझ में आना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं अपने जावा प्रोग्राम में और वो कैसे वर्क करता है। उससे पहले मैं आप सबको कुछ बातें यहाँ क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा है, जहाँ हम प्रोग्रामर और हम यूज़र्स अपने स्ट्रिंग के लेंथ को अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को अगर इन सिंपल वर्ड हम कहें तो एक स्ट्रिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम अपनी मर्जी से अपने टेक्स्ट को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को इस स्ट्रिंग के थ्रू जावा में आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने हिसाब से जितने भी पैरा हो सकते हैं, एसेज, मतलब जितने भी चीज़ होते हैं वो आप अपने तरीके से, अपने लेंथ के हिसाब से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जावा में जो स्ट्रिंग है ये चीज़ हम लोग को ये प्रोवाइड होता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, हमें कोई जावा में टेक्स्ट डिफाइन करना है तो हम अब इंट वगैरह का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग के यूज़ से आप, स्ट्रिंग के हेल्प से आपको आप एक छोटे से वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, या आपको एक लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, एक सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, या बहुत बड़ा पैराग्राफ हो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और यही पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को, पूरे के पूरे के इन्फॉर्मेशंस को हम एक स्ट्रिंग की हेल्प से आप इसमें डिक्लेरेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली यूज़ होता है जावा के अंदर, जहाँ आप काफ़ी सारे टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हाँ, आप कहोगे कि अगर मैं डिफाइन यूज़र से भी, या क्या ये इनपुट आउटपुट का यूज़र से भी डिफिनेशन डिफाइन किया जा सकता है, तो यस, आप स्ट्रिंग में आप खुद से भी कोई भी सेंटेंस डिक्लेयर कर सकते हैं और आपके साथ साथ आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है जावा में स्ट्रिंग का। आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड होगी, जहां हम स्ट्रिंग्स के डिक्लेरेशन को देख रहे होंगे, कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और हम स्ट्रिंग के सारे पार्ट्स को भी देख रहे होंगे जो हमें यूज़ करने में हेल्प करता है कि वह जब सेंटेंस लिखने होते हैं तो कौन सा वेरिएबल का यूज़ करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, या हम कभी बहुत सारा पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे, या एक छोटा सा लाइन लिख रहे होंगे तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो फिर फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए आप देख चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर करना मतलब कि हमें अपने प्रोग्राम को बताना, कंपाइलर को बताना कि हमने किस लैंग्वेज में किस प्रोग्राम को राइट किया, ठीक है। मतलब हमने कोई प्रोग्राम बनाया है और इसमें हम कुछ डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन की। जो आपका स्ट्रिंग है वो किस तरीके से डिक्लेरेशन करता है, ठीक है। और अगर हम एक स्ट्रिंग और क्लास को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी क्लास का नाम भी स्ट्रिंग्स है। एंड जावा में ऑलरेडी स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है, जो अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं तो यहाँ आपको शो हो जाता है कि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, तो ये हम नहीं डाल सकते, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि स्ट्रिंग को स्मॉल एस से डालते हैं और उनके प्रोग्राम में एरर्स होने लगते हैं। तो ये स्ट्रिंग का एस जो है वो स्मॉल नहीं, कैपिटल होता है, और आप स्मॉल डालोगे तो आपका स्ट्रिंग जो है, आपका जो कोड है वो एरर शो होता है। दैट्स व्हाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को जाने। और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि स्ट्रिंग हमारे जावा में ऑलरेडी है, तो हम अपने क्लास का नाम स्ट्रिंग नहीं रख सकते, इसलिए मैंने यहाँ क्लास का नाम आप मेरा स्ट्रिंग्स रखा है। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप और माइंड से स्किप ना करें अपने प्रोग्रामिंग के टाइम पे। और एक और बात ध्यान दें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मेन में जो आर्गुमेंट हमने लिया है वो भी स्ट्रिंग ही लिया हुआ है,
स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले अपना लिखेंगे स्ट्रिंग जो कि है डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे नेम, जो भी हमने अभी वेरिएबल में डालना है, ठीक है। और इसमें हम कोई सी भी स्ट्रिंग को स्टोर करवा देंगे, लाइक अर्पिता, ठीक है। इट्स योर चॉइस, आप क्या स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमने अपने स्ट्रिंग में अपना नाम को स्टोर करवा दिया, ठीक है। मान लें कि अगर हमें एक और डेटा लेना होता जो कि आपका फुल नेम होता, ठीक है, लाइक अर्पिता शिल्पी, ठीक है। तो हम इस तरीके से स्टोर करवा देते। और यहाँ आप लोगों को स्ट्रिंग में स्पेस देने के बावजूद यहाँ कोई एरर नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रिंग अपने वेरिएबल्स में ये चीज अलाउ किया है कि आप स्पेस के साथ स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये फुल नेम कुछ इस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं अपने स्ट्रिंग के नेम में भी, ठीक है। तो अब क्या है, ओके, अब तो यहाँ तक हो गया। अब हमें अगर कोई स्ट्रिंग में सेंटेंस शो करवाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेंटेंस इज एन इक्वल माय नेम इज अर्पिता शिल्पी ब्रैकेट में आदिति श्री वास्तव। ये वैलिडेशन होता है अलाउड होता है, ये आपके स्ट्रिंग में ये वर्ड जहां आप ये सेंटेंस को भी वैलिडेशन में यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग में। तो सॉरी फॉर हियर स्ट्रिंग इज बिग, तो सॉरी फॉर दैट। यही मिस्टेक्स होते हैं जो आजकल के बच्चों या फिर कोई किसी से भी ये मिस्टेक हो जाती है स्मॉल और कैपिटल में। तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में जो भी आप वेरिएबल के साथ जब आप यूज करते हैं स्ट्रिंग को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करें, फर्स्ट लेटर। और इसी तरीके से हमने एक सेंटेंस को स्ट्रिंग में पूरी अच्छे तरीके से स्टोर करवा दिया है। तो ये काफी आपको इजी हो जाएगा, आप जब सेंटेंस को क्रिएट करोगे या फिर आपके स्ट्रिंग्स के लिए कोई भी वैल्यू क्रिएट करनी है या फिर एनीथिंग। और सिर्फ यही नहीं कि अगर आपको अपने कैरेक्टर का कोई सा भी एक ऐसे ऐसे या फिर पैराग्राफ जैसे चीजों को भी स्टोर करवाना है तो आप इसी तरीके से अपने पैराग्राफ में स्टोर करवा सकते हैं, लाइक दिस कि आई एम हेल्पिंग अ पुअर और वर्किंग स्टूडेंट्स एंड ओके। तो इस तरीके से आप स्टोर करवा सकते हैं अपने सारे एलिमेंट्स को, सारे कैरेक्टर्स को अपने स्ट्रिंग में। आप इस ये एक आपका एडवांटेजेस है जावा के अंदर जो आपको ये मिलती है स्ट्रिंग के रूप में। अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग अपने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं जावा में। यहाँ तक तो हम लोगों ने अपना अपना जो अपना स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर है वो हम लोगों ने पुट किया या फिर दिलाया। जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो तब हम क्या कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और यूजर आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम या फिर आप किस बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया है, तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप खुद के माइंड से भी पूछ सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे तरीके से किसी यूजर से इनपुट लेना हो, यूजर से कोई चीज लेना, वेरिएबल्स लेने और वेरिएबल्स वैल्यूज लेने हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तो तब हमें बनानी पड़ेगी एक स्कैनर प्रोग्राम जहाँ हम डिक्लेयर करेंगे आपके यूजर बाय डिफॉल्ट, ओके। सो स्कैनर हम यूज करेंगे, सॉरी, स्कैनर में भी एस का जो होगा वो बड़ा होगा, स्कैनर
एससी इज इक्वल न्यू सिस्टम डॉट ओके। तो हमने अभी देखा कि एक कुछ न्यू कीवर्ड्स भी होते हैं जहां हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक स्कैनर क्लास स्कैनर एक क्लास है जो कि क्लासेस का काम करता है, और एससी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और फिर हमने यहाँ न्यू को इसको डिक्लेयर किया है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि स्कैनर भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जावा का। इसके बाद हम लेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड दिस। ओके। सो जब हमने इनपुट आउटपुट के बारे में सीखा था, तब मैंने बताया था आपको कि एक जावा के स्ट्रिंग के अंदर आप पूरी पूरी की लाइन, पूरी की पूरी सेंटेंसेस, पूरी की पूरी पैराग्राफ्स को भी लिख सकते हैं, तब तक जब तक आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। ठीक है। ओके। तो हम एक काम कर लेते हैं। फर्स्ट पैकेज विच इज इम्पोर्ट जावा डॉट अंटिल डॉट टेस्ट एंड ये। ठीक है। और अब हम देखते हैं, अब हम इसे प्रिंट करवा लेंगे लाइक सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट लाइन दिस योर नेम इज, और ये हम आपको यहाँ प्लस के साइन के साथ नेम को डिक्लेयर करके यहाँ पर हम आपका सेमी कॉलन के साथ इसको एंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे अपना यूजर पे जो नंबर नाम हम लोगों ने डालना था वो हम डालेंगे। ठीक है। तो दिस इज अ बिहाइंड द सीन ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और कोई भी आपके डाउट है या फिर कोई आपके क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज से, या आपके कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो, आप प्लीज नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज यहाँ इस चैनल पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिलहाल मैंने आपको C++ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, एंड ये जावा आपके लिए बहुत ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए एंड इंटरव्यूज के लिए, जॉब एडिशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब।